वेलकम टू टेक वसीम यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, इस वीडियो को आपको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब ने एल्गोरिथम में कुछ चेंज करने वाला है। 8 अगस्त को घोषणा कर दी है कि हम यूट्यूब के एल्गोरिथम में कुछ चेंज करने वाले हैं। धीरे धीरे गाइज यूट्यूब यहाँ पे पूरी तरीके से इसे चेंज कर देगा। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूँ कि इसमें यूट्यूब ने ये भी लिखा है कि इससे व्यूअर और क्रिएटर दोनों को इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि जो यूट्यूब एल्गोरिथम में चेंज कर रहा है इससे व्यूअर और क्रिएटर दोनों को इफेक्ट पड़ने वाला है। यूट्यूब यहाँ पे जो अपडेट लेकर के आ रहा है वह रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग, यूट्यूब यहाँ पर जो चेंजिंग लेकर के आ रहा है वो रिकमेंडेशन में कुछ चेंजिंग लेकर के आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखते हो बट आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बट फिर भी उस चैनल पर जब नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड होती है तो वह रिकमेंड होकर के आपके पास आ जाती है। और इसका कारण यह है गाइज कि यूट्यूब के पास आपकी वॉच हिस्ट्री होती है, जिससे यूट्यूब ये चेक कर लेता है कि आपके पास क्या डाटा आप देख रहे हो, क्या आप डाटा नहीं देख रहे हो। यानी कि यूट्यूब के पास आपकी जो वॉच हिस्ट्री होती है उसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब आपके पास अलग अलग तरह की वीडियो आपको रिकमेंड करता रहता है। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया बट फिर भी यूट्यूब आपकी वॉच हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डाटा रिकमेंड करता रहता है। बट गाइज आपको बता दूं कि यूट्यूब ने यहाँ पे चेंज कर दिया है, अगर कोई व्यूअर अपनी वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर देता है तो ओनली फॉर उसे वही वीडियो दिखाई देगी जो चैनल उसने सब्सक्राइब कर रखा है। यानी कि जब वह अपने चैनल की हिस्ट्री को ऑफ कर देगा, वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर देगा, तो उसे अदरवाइज किसी की वीडियो दिखाई नहीं देगी, उसे वही वीडियो दिखाई देगी जो उसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। अदरवाइज यूट्यूब उसे कोई वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि यूट्यूब के पास उसकी वॉच हिस्ट्री नहीं होगी। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि अगर कोई व्यूअर अपनी यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री को ऑन रखता है, यूट्यूब उसकी वॉच हिस्ट्री के हिसाब से उसे डाटा रिकमेंड करता रहता है। यानी कि जो हिस्ट्री में वह वीडियो को देख रहा है, जिस टाइप की वह वीडियो को देख रहा है, उसी टाइप की वीडियो को यूट्यूब उसके पास रिकमेंड करता रहता है नोटिफिकेशन के द्वारा। यूजर को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है गाइज, अगर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने चैनल की वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर दिया है और यूट्यूब के पास उसका कोई भी डाटा नहीं है कि यह व्यक्ति किस टाइप की वीडियो को देख रहा है, किस टाइप की वीडियो को नहीं देख रहा है। सपोज करो आपका कोई टैक्स से रिगार्डिंग चैनल है या फिर आपका कोई कुकिंग अनबॉक्सिंग कोई भी आपके पास चैनल है और आप उस टाइप की वीडियो यूट्यूब पर देख रही है, आपने वॉच हिस्ट्री को ऑन कर रखा है, तो आप उस टाइप की जब वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब आपके पास उसी टाइप की वीडियो को रिकमेंड करके आपके पास भेजता रहेगा। बट आपने वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर दिया है तो यूट्यूब आपके पास कोई भी वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि यूट्यूब के पास आपकी वॉच हिस्ट्री नहीं है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप वॉच हिस्ट्री ऑफ भी कर लेते हैं तो आपके पास उन्हीं व्यक्ति का नोटिफिकेशन आएगा, वही वीडियो आपके पास रिकमेंड होकर आएगी जिस व्यक्ति का आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। यानी कि जो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसी की वीडियो आपके पास रिकमेंड होकर आएगी, अदरवाइज कोई वीडियो आपके पास नहीं आएगी। तो इसलिए आपको बता दूं कि आप अपने चैनल के वॉच हिस्ट्री को ऑन कर सकते हैं या आप ऑफ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो, आपकी वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे, तो आप अपनी वॉच हिस्ट्री को ऑन रखिए ताकि यूट्यूब आपके पास नई नई वीडियो को रिकमेंड करता है। जो भी चैनल पे वीडियो डलती रहती है वह आपको रिकमेंड करता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा और सामने वाले व्यक्ति का भी फायदा होगा जो वीडियो को देख रहा है और जो वीडियो को अपलोड कर रहा है उसे भी इससे फायदा होने वाला है। ये अपडेट यूट्यूब यहां पे करने वाला है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।